मैंने अभी लिंक तो सही भेजा है ना। गुड इवनिंग शुभाशीष, अभी गुड इवनिंग। अभी मैंने लिंक तो सही भेज दिया है या गलत भेजा हुआ है? सही भेजा है। मैंने 10 अक्टूबर का लिंक ओपन कर दिया है क्या? मैंने शायद 10 अक्टूबर का भेज दिया। एक मिनट, तो आप सभी का स्वागत है लिट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम चैनल पे। गलती से अलग लिंक ओपन हो गया है, ठीक है। ये क्लास कल होने वाली थी, उसका लिंक अभी एक्टिवेट हो गया। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ, ठीक है। अभी हम जीके और जीएस के एमसीक्यू करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। अभी भी बच्चे उसी क्लास में हैं तब भी आ नहीं रहे हैं, जब पता भेज दिया उनको कि गलत लिंक है तब भी। हेलो वेदांतो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? हेलो वेदांतो, आवाज़ आ तो आ रही रही है है मेरी आवाज़। आप लोगों को? तो आपकी जो डेली क्लासेस चलती है 4:55 पे अनअकैडमी के ऐप पे चलती है, 11:30 पे यूट्यूब पर चलती है और 10:30 पे यूट्यूब पे चलती है। आज 10:30 की क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, और ये टेलीग्राम का चैनल है तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस की सारी अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलती रहे। हद ही करते हो तुम लोग। मतलब लिंक भेज दिया है, कह दिया है कि गलत लिंक सेंड हो गया है, दूसरी क्लास में आना है, तब भी तुम लोग को मालूम नहीं चल पा रहा है ना? अब दोबारा भेज दिया। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस कोड का इस्तेमाल करें और 12 या 24 महीने का प्लान लें, क्योंकि 12 और 24 महीने की जो पर मंथ कॉस्ट है वो बाकी प्लान के कंपैरिजन में सस्ती भी पड़ेगी, और जो आपके एसएससी का प्रोसीजर है उसको टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग 12 या 24 महीने का ही प्लान लीजिए, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जीएस का एमसीक्यू अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सेंटेंस टू डेथ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्यु दंड कब दिया गया था? ऑप्शन ए 28 फरवरी 1931 को, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1930 को, ऑप्शन सी 8 फरवरी 1931 को, या ऑप्शन डी 23 मार्च 1931 को। और सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी भी आधे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लगता है मैम सो चुकी है, चलो वापस चलते हैं, आज लगता है क्लास नहीं होगी बेवजह। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डी एंड ए। उत्पल ने बोला है ए, बाकी बच्चों का डी है आंसर। तो आप सभी का जो भी डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, इसलिए हम 23 मार्च को क्या मनाते हैं, 23 मार्च को शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस।
आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में टोटल 6 दिनों को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो कौन कौन से दिन हैं? पहला है आपका 30 जनवरी, दूसरा है आपका 23 मार्च, तीसरा है आपका 19 मई, चौथा है आपका 21 अक्टूबर, पांचवा है आपका 17 नवंबर और छठा है आपका 21 नवंबर। ठीक है, सारे दिख रहे हैं ना डेट? तो 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है, तो ये गांधी जी से रिलेटेड हो गया। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, ये आपको मालूम ही है। 19 मई को क्या हुआ था? 19 मई को 1961 में क्या हुआ था कि जो बंगाली थे, जो आसाम में रह रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि आसाम में क्या हुआ था, आसामी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जितने भी बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आसामी ही क्यों लैंग्वेज होगी वहाँ की ऑफिशियल, आपकी बंगाली को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। तो उसी में 15 लोग मारे गए थे पुलिस के द्वारा। तो इसीलिए 19 मई को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका 21 अक्टूबर आता है। तो 21 अक्टूबर को क्या हुआ था? 21 अक्टूबर को 1959 में आपके 10 CRPF के जवान मारे गए थे। किसके द्वारा? चाइनीज ट्रूप के द्वारा। इसीलिए 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का बर्थडे है, सॉरी डेथ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय की, इसीलिए मनाया जाता है। और 21 नवंबर को क्या है? झांसी की रानी का बर्थडे है। ठीक है, इसीलिए फॉन्ट ज़्यादा ही बड़ा है, तो फिर तो नॉर्मल पेन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो 30 जनवरी गांधी जी का बर्थडे, 23 मार्च को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी, 23 मार्च को भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी, 19 मई को 1961 में बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, 21 अक्टूबर को 1959 में आपके 10 CRPF के जवान मारे गए थे, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की डेथ एनिवर्सरी है और 21 नवंबर को झांसी की रानी की बर्थ एनिवर्सरी है। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक? निम्नलिखित में से कौन भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रवण है? ऑप्शन ए प्लेट्यू, ऑप्शन बी कोस्टल प्लेन, ऑप्शन सी यंग शील्ड, ऑप्शन डी यंग फोल्डेड माउंटेन। 10 बार नोटिफिकेशन इसीलिए भेजा है क्योंकि अभी भी आधे लोग दूसरी क्लास में इंतजार कर रहे थे, अपने आप एज्यूम कर रहे थे कि मैम सो चुकी है, क्लास नहीं होगी, बार बार बताने के बाद भी। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डी डी डी, और आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपके सबसे ज़्यादा प्रॉन होते हैं अर्थक्वेक से, वो कौन से होते हैं? यंग फोल्डेड माउंटेन ही होते हैं, क्योंकि ये बनते ही किसके द्वारा है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा ये बनते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉन होते हैं अर्थक्वेक के। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 56, ऑप्शन सी आर्टिकल 54 या ऑप्शन डी आर्टिकल 55। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सबका 52 है एंड 52 इज द करेक्ट आंसर। जो आपके प्रेसिडेंट है वो आपके पार्ट 5 में है, पार्ट 5 चैप्टर वन, जो कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है? 52 से लेकर के 62 तक, 52 से लेकर के 62 तक में है, जिसमें से 52 में आपका क्या मेंशन है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 एंड 62। 52 में क्या है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, 54 में क्या है? इलेक्शन, 55 में क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 में आप बताइए क्या है, क्योंकि 56 ऑप्शन में था, तो 56 में आप बताओ क्या है। मैंने अभी 4 बताए, 56 आप बताइए। जब यहाँ पे इलेक्शन बता दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन बता दिया, तो इसके बाद क्या होगा? एक चेन बना हुआ, प्रेसिडेंट है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, इलेक्शन है, मैनर ऑफ इलेक्शन है। जब मैनर ऑफ इलेक्शन आएगा तो ऑब्वियसली उसके बाद उसकी टर्म की बात होगी, तो इसके बाद आपका आएगा टर्म,
57th में क्या आएगा बताओ, जब उसके टर्म की भी बात हो गई उसके बाद क्या आएगा? ओथ तो बहुत दूर की बात है पंकज, जब टर्म की बात हो गई। ऑसम वंस अगेन ने कहा इलेक्टेड, लेकिन इलेक्टेड नहीं होता, री इलेक्टेड होता है, री इलेक्शन। 52 में प्रेसिडेंट होता है, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, 54 में उसके इलेक्शन होता है, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन होता है, 56 में आपका टर्म होता है, 57 में आपका री इलेक्शन होता है, 58 में आपका क्वालिफिकेशन होता है, 59th बताओ। ओथ अभी दूर है, शिल्पी का अपॉइंट, शिल्पी अपॉइंट क्या करोगी आप? अपॉइंट इसमें क्या करोगी? प्रेसिडेंट तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, एग्जीक्यूटिव पावर आ चुका, तो अपॉइंट करने का क्या बात आई इसमें? ग्रीन पेन यूज करूं? पार्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन होगी, उसके बाद आपका होगा ओथ, उसके बाद आपका होगा इम्पीचमेंट, और जो आपका आर्टिकल 62 होता है इसमें ये कंडीशन रहती है कि जो प्रेसिडेंट की सीट है वो कितने महीने तक खाली रह सकती है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी सीट कितने महीने तक खाली रह सकती है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की सीट कितने महीने तक वैकेंट रहेगी। इन केस अगर आपका प्रेसिडेंट नहीं है तो किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? तो वहाँ पे आंसर होता है वाइस प्रेसिडेंट को। इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो किसको बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट जज, उसको बनाया जाएगा प्रेसिडेंट की जगह, ठीक है? 6 month करेक्ट आंसर। 6 महीने आपकी कंडीशन है कि 6 महीने तक सीट आपकी वैकेंट रह सकती है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन आपके हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट के। तो आपकी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस रहेगा, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज रहेगा। तो 52 में क्या है आपका? प्रेसिडेंट होता है। 53rd में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। 54 में क्या होगा? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन होगा। 56 में टर्म ऑफ द ऑफिस होगा। 57th में री इलेक्शन होगा। 58 में क्वालिफिकेशन। 59th में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में उसका ओथ। 61 में इम्पीचमेंट एंड 62 में कंडीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो आपकी ओथ है वो कौन करवाता है प्रेसिडेंट की? तो उसका आंसर याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? तो उसका आंसर याद रखिएगा, यूएसए से हमने बोरो किया है, ठीक है? यूएसए से हमने आपके इलेक्शन का वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोरो किया है, ठीक है? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। 3rd है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? ये जितने भी लास्ट के डिजिट है ये पावर में है, ठीक है? ये सारे पावर है, 5, 4, 8 and 3। तो आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में। ऑप्शन है 3:10^5, ऑप्शन बी 3:10^4, ऑप्शन सी 3:10^8, या ऑप्शन डी 3:10^3। क्वेश्चन नंबर 4th, तो सभी का आंसर सी है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 3:10^8 होती है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करता है? तो लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट आपके वैक्यूम में ही ट्रैवल करता है। और इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? इसको सी से डिनोट किया जाता है। 3:10^8 जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में, इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4th आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम? निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5th, डिनोटेड बाय सी, तो सभी का ए आ रहा है और किसी ने डी भी बोला है, तो करेक्ट आंसर इज ए, कैल्शियम। अरे थोड़ा मन कर रहा है हाइलाइटर यूज करने का, करने दो ना तुम लोग मुझे। कैल्शियम ऑक्साइड, इतना अच्छा अच्छा तो इसे लिखता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5th आंसर इज ए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6th, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्क मनुष्य में हर 24 घंटे में उत्पादित मूत्र की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 3 लीटर, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 1.5 लीटर, ऑप्शन सी 0.5 लीटर, या ऑप्शन डी 2.5 लीटर। जयंत मेहर, हेलो,
बहुत ज़्यादा बेकार दिखता है इससे, लेकिन चलाने में मज़ा आता है हाइलाइटर तो। ऑसम, वंस अगेन, सबसे पहली बात, यहाँ पे 5 लीटर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और करेक्ट आंसर इज 1.5 लीटर, ठीक है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आधा लीटर तो होगा नहीं, 3 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्किल से ही आप में से बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो 3 लीटर पानी भी पीते होंगे, तो 1.5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किन्नौरी नाटी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। किन्नौरी नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। आपसे एवरेज पूछा है, ठीक है। ये अब कोई 100% भी नंबर स्कोर कर रहा है, कोई आपके 90 भी लाता है, कोई 60 भी लाता है, लेकिन जो आपकी कट ऑफ आती है वो तो एवरेज के अकॉर्डिंग आती है ना। तो यहाँ पे सभी का गुजरात 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 इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। किन्नौरी नाटी या फिर आपसे केवल नाटी पूछ ले, दूसरा आपसे पूछेगा डांगी, और तीसरा आपसे पूछेगा जयंता। ये दो डांस और याद रखना, बताओ ये हाइलाइटर से किसको किसको प्रॉब्लम है, वरना मैं पेन यूज करूंगी। डांगी एंड जयंता आपके, ये दोनों भी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज बी। नो प्रॉब्लम, सभी ने नो प्रॉब्लम कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर पाया गया था? ऑप्शन ए मुंडीगक, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या ऑप्शन डी हड़प्पा। जब अर्ली पीरियड की बात हो रही है तो इसका मतलब अगर अभी जो पार्ट आपके इंडिया से बाहर भी है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बाई चांस इसमें से इंडिया के बाहर का भी पार्ट है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पहले वो इंडिया का हिस्सा था। तो सभी का आंसर मेहरगढ़ आ रहा है, मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे पड़ता है ये? बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है आपका मेहरगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज सी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, द विंध्या बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स। विंध्या पर्वत किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्लॉक माउंटेन, ऑप्शन बी रेसिड्यूअल माउंटेन, ऑप्शन सी फोल्ड माउंटेन या ऑप्शन डी वोल्केनिक माउंटेन। ग्रीन पेन यूज करो। क्वेश्चन नंबर 9th, तो सभी का यहाँ पे सी एंड ए आ रहा है। तो सबसे पहले जो सी बोल रहे हो बच्चे, तो आपसे पूछा जाता है कि हिमालय किस तरीके का माउंटेन है। तो हिमालय के लिए याद रखिएगा, जो आपका हिमालय है वो है आपका फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और जो आपके विंध्या रेंज है वो कैसी माउंटेन है? वो आपकी ब्लॉक माउंटेन है, जो आपकी हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है। हॉरिजेंटल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है, इसका मतलब क्या हो गया? जो पर्वत की शेप होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। ये आपका हॉरिजन रहेगा, ठीक है, इस तरीके की पर्वत की शेप होगी। और ये किसके कारण होता है? जब भी आपके अर्थ क्रस्ट में कोई भी क्रैक आए या फॉल्ट आए, उसके कारण आपके जो आपके ब्लॉक माउंटेन है उसका निर्माण होता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है जो विंध्या रेंज है वो किसके बीच में बॉर्डर बनाती है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं सीधा पेन ही यूज करती हूँ, वरना तुम लोग इसका भी एक इतना बड़ा इशू बना दोगे ना। कभी रेड यूज करो, कभी ग्रीन यूज करो, कभी ये करो, कभी वो करो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सतपुड़ा, तुमने एक ही बोला मनोहर, सतपुड़ा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, सतपुड़ा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में क्या बनाता है? ये आपका बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट में है ये आपका? ये आपके मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपके गुजरात में, इसका कुछ पार्ट आपके यूपी में भी आता है और कुछ पार्ट आपके बिहार में भी आता है। तो इन 5 स्टेट में है आपके विंध्या रेंज। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14।
हाँ संचिता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और सारे बच्चे एक बारी सेशन को लाइक कर दो, जितने भी यहाँ पे कंजूस बच्चे हो सभी दिलदार बनो, खुल के लाइक करो, ठीक है। तो सभी का आंसर यहाँ पे 12 है और आप सभी का आंसर 12 बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके स्टार्टिंग में ना सिर्फ 8 शेड्यूल थे, बाद में कितने बन गए आपके 12, ठीक है। अब आपके जो पार्ट्स है कितने हैं, 25 है, आर्टिकल कितने हैं 448 है। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है, सबसे लंबा चौड़ा आपका ही कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपके ज़्यादा पार्ट्स को कवर करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 448 आर्टिकल, 25 आपके क्या है पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है इसके अंदर। तो 10th आंसर इज सी। पंकज कुमार क्या 25 बोल रहे हो, 1993 नहीं 1935। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस एज इट्स एंड्स। ये किसने कहा था आपसे, ये पूछा गया है कि किसके अकॉर्डिंग किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों पर उसके विभांतर के समानुपाती होता है। ये किसके लॉ में मेंशन है, ओम्स लॉ। तेजस का आंसर है, सुदीप का आंसर भी ओम्स लॉ है, विशाल का भी आंसर ओम्स लॉ है, एंड ओम्स लॉ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी फ्लोरीन। ओम बाबा, हाँ ओम बाबा इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो बी होगा, सॉरी। आंसर इज बी, लिथियम होगा, ठीक है, फ्लोरीन नहीं होगा, लिथियम होगा इसका आंसर, लिथियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ अ पर्सन ब्राउन आइज, ब्लू आइज एंड और ब्लैक आइज। निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण व्यक्ति की आंखों का रंग भूरा, नीला या काला होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अदरवाइज मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है। उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसीलिए उसके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इसीलिए उसका आंसर होगा लिथियम। तो यहाँ पे सभी का आंसर है आयरिस, और कॉर्निया जिसने भी बोला है वो गलत हो, आयरिस इज द करेक्ट आंसर। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब भी आप आई डोनेट करते हैं तो आपके आँखों का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जब भी आप अपनी आँखों को डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। तो सभी का कॉर्निया बिल्कुल। अगर आपसे कभी भी पूछे अगर आप आई डोनेशन करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट इज कालेश्वर नेशनल पार्क सिचुएटेड। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तुमको डोनेट नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो करते हैं उनके लिए बोला है। हाँ, जो एल्केली मेटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसका आंसर लिथियम ही होगा, ठीक है। साइंस मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ पढ़ाने के चक्कर में। तो सभी का आंसर हरियाणा है, हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर। आपके हरियाणा में सिर्फ दो ही नेशनल पार्क है, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
इसके अलावा जो वहाँ से आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अबूब शहर, शहर भिंडवास, नाहर, मोरनी हिल्स, चिलचिला, चिलचिला, उसके बाद आपका खपरवास, खपरवास, इसके अलावा आपके और कौन सा पूछा जाता है, अबूब शहर, भिंडवास, नाहर, मोरनी हिल्स, खपरवास, चिलचिला हो गया, और एक दो बच गए होंगे तो वो इग्नोर करो अभी फ़िलहाल। ये याद रखना ये सारे कहाँ के आपके, हरियाणा के ही है, ठीक है। खपरवास, मोरनी हिल्स, नागर, भिंडवास, अबूब शहर एंड चिलचिला। तो 14th आंसर इज सी। 15, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निस्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, ऋग वैदिक काल में निस्का किसका आभूषण था, ऑप्शन ए आर्म का, ऑप्शन बी लेग का, ऑप्शन सी नेक का, या ऑप्शन डी ईयर का। अब मैं बिहार से हूँ, कलकत्ता से हूँ, आसाम से हूँ, कहीं से भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। गर्दन, 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 और तुमको मुझे हबीब, वो जिसने भी बोला है मोहम्मद आतिफ, जो तुम बिहार बोल रहे हो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ जो लोग बिहार के शुद्ध हिंदी बोलते हैं और जो लोग लखनऊ के शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तुम उनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हो, कैसे पता चलता है कि वो बिहार का है या लखनऊ का है। मुझे तो दोनों सेम ही लगते हैं। आंसर इज सी, नेक, ठीक है। तो ऋग वैदिक पीरियड में जो निस्का था वो नेकलेस था, एक नेकलेस था, गोल्ड नेकलेस। किस चीज़ का नेकलेस था? गोल्ड नेकलेस था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसको एज अ कॉइन भी यूज़ किया गया था, जो कि पोएट वगैरह को दिया जाता था रिवार्ड के तौर पे, ठीक है, पोएट को दिया जाता था रिवार्ड के तौर पर। तो अगर एग्जांपल में बाय चांस एग्जाम में आपके नेक ना दे, आपको कॉइन दे दे, तो कॉइन आंसर होगा, ठीक है। आवाज़ तो वैसे भी सबकी अलग रहती है, टोन का फर्क होता है, ठीक है, टोन का फर्क होता है। मुझे लगता है जो लखनऊ साइड के लोग बोलते हैं और जो बिहार से हिंदी बोलते हैं उनकी हिंदी लगभग सेम ही होती है। तो नेकलेस था ये गोल्ड का, ठीक है, तो निस्का एक नेकलेस था गोल्ड का, लेकिन बाद में इसको एज अ कॉइन भी यूज़ किया जाता था, जो कि पोएट वगैरह को रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता था, कवियों को। 16, द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज द डैश, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी विंध्या, या ऑप्शन डी सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 16, और टोन का खेल है, खेल नहीं है, फर्क ही क्या पड़ता है बताओ। और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, दिल खोलो तुम लोग, जल्दी से लाइक करो, ठीक है, कंजूस मत बनो। तो सभी का आंसर यहाँ पे है, वर्षु का आंसर है विंध्या। वर्षु जी, तुम यहाँ पे कहाँ से, गुजरात से दिल्ली को विंध्या में पहुँचा दिया तुमने। विंध्या अभी अभी आपको बताया था कि किस तरीके का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, जो कि आपके 5 राज्यों में है, MP में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, बिहार में और UP में, ठीक है, गाड़ी के नंबर से पता चल जाता है, MP CH GJBR UP। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, जो सब लगभग जो ये माउंटेन रेंज है ये आपके 695 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, ठीक है, बिहार में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, आपका बिहार कह रही हूँ सॉरी दिल्ली में, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ वो मुझे अनलाइक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी खासियत ये है कि वो पूरी वीडियो ज़रूर देखता है। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी CGI, ऑप्शन डी VP। यहाँ पे VP दो बारी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, मेरे दुश्मनों का भी यही खासियत है, चाहे उनको क्लास अच्छी लगे या नहीं लगे, 10 कमी निकाल के जाते हैं लेकिन क्लास पूरी देखते हैं और फिर भी डेली आते हैं। तो यहाँ पे सभी का आंसर सी है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओथ होता है वो किस आर्टिकल में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 59, 60, 61 एंड 62, जल्दी से बताइए ओथ अफर्मेशन किसके अंदर होता है। ओथ
ओथ अभी मैंने बताया था कि किसके अंदर होता है, 59, 60, 61 या 62। करंट सीजीआई है एनवी रमन, जो कि आपके 48 सीजीआई है, ठीक है, 48 नंबर के सीजीआई है एनवी रमन, और जो आपके ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को वो सीजीआई दिलवाते हैं, और ये आपके आर्टिकल 60 में है ओथ, ठीक है। 61 में मैंने बताया था इम्पीचमेंट है, और 62 में क्या होता है, ये कंडीशन होती है कि कितने टाइम तक आपका प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो उनका ऑफिस है, वो वैकेंट रहेगा, तो वो 6 मंथ तक वैकेंट रह सकता है मैक्सिमम। 18th द न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, परमाणु रिएक्टर किसके द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन ए एच डेवी, ऑप्शन बी एल डी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी के ओन्स। क्वेश्चन नंबर 18th। 61 में तो इम्पीचमेंट है ना मुनाजिर, फर्मी फर्मी फर्मी, एंड करेक्ट आंसर इज एनरिको फर्मी, जो कि कहाँ से थे, इटली से थे, और इटली से और कौन है जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 18th आंसर इज सी फर्मी। क्वेश्चन नंबर 19th, विनेगर इज यूज एज अ कंडीमेंट एंड इन द पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल एंड अदर फूड्स, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, सिरका का उपयोग मसाले के रूप में और सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों में अचार में किया जाता है, सिरका का घटक क्या होता है, ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी हेक्सानोइक एसिड, ऑप्शन सी इथेनोइक एसिड, या ऑप्शन डी मिथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19th, लोकेश तुम दुश्मन नहीं हो तो अच्छी बात है ना, गैलीलियो। जयंत क्या करूं मैं, रोऊं क्या, मेरी विदाई थोड़ी ना हो रही है जो मुझे रोना है। तो यहाँ पे जो टार्टरिक एसिड कह रहे हो, टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड तो एकदम ही गलत है, करेक्ट आंसर इज इथेनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इथेनोइक एसिड नहीं दिया रहेगा, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन आ जाए कि इथेनोइक एसिड नहीं दिया हो, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39th आंसर इज सी, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे दो क्वेश्चन के आंसर और देने हैं, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। जब आपको चींटी काटती है, एंट काटती है, तो उसमें कौन सा एसिड रहता है, और आपके ग्रेप्स में कौन सा एसिड रहता है, ये दोनों जल्दी से कमेंट करके बताओ। इन केस नहीं बता पाए तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एक्सपल्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग, निम्नलिखित में से किसके कारण स्तनपान के दौरान स्तन से दूध का निष्कासन होता है, ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन, या ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंट का नहीं होगा, यूव फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, एंट बाइट में आपका फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे बिल्कुल ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। 20 करेक्ट आंसर इज बी। 21, व्हाट इज द करेंसी ऑफ एरिट्रिया, एरिट्रिया की मुद्रा क्या है, ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी नाकफा, ऑप्शन सी क्विट्जेल, या ऑप्शन डी गॉड। क्वेश्चन नंबर 21, गुड इवनिंग अंकुश, तो यहां पे सी कौन बोल रहे हो, करेक्ट आंसर इज नागफा, ठीक है। बीर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बीर कहाँ की है, इथोपिया की। क्विट्जेल भी पूछा जाता है, ये कहाँ की है, ग्वाटेमाला की। और गॉड भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ की है, हाइती की। बात करें एरिट्रिया की, तो इसकी राजधानी क्या है, अस्मारा। इथोपिया की क्या है, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। ग्वाटेमाला की क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। और हाइती की क्या है, पोर्ट एयू प्रिंस, पोर्ट एयू प्रिंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू टेक इनिशिएटिव फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन? गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के लिए पहल करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रुद्रादमन, ऑप्शन सी स्कंद गुप्ता या ऑप्शन डी अशोका। 22 ये बताओ मेरी खुशी से किसको यहाँ पे तकलीफ है, मतलब मैं हंस भी रही हूँ तो प्रॉब्लम है तुमको। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो, जो भी बच्चे हो कम से कम अभी 200 लाइक मिनिमम हो जाने चाहिए थे। कितनी बारी बोला है अशोका, कहाँ अशोका, तो बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर इज, सॉरी ये भी मैंने गलती लगा दिया, करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, जो आपका गिरनार रीजन है ये किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो 22 करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस लाई आउटसाइड इंडिया? इनमें से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के बाहर है? ऑप्शन ए खाइबर, ऑप्शन बी शिपकीला, ऑप्शन सी बोमडिला या ऑप्शन डी बारालाचला। नमस्ते शुभम मिश्रा, तुमको चाहे प्रॉब्लम हो, तुमको चाहे खुशी हो, मेरा मन करेगा तो मैं हंसूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं रोऊंगी। तो यहाँ पे सभी का आंसर है खाइबर, एंड खाइबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खाइबर आपके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। अब ये बताइए कि शिपकिला किसके बीच में है? शिपकिला, शिपकिला किसके बीच में है? ठीक है, शिपकिला आपके हिमाचल प्रदेश तिब्बत के बीच में, बोमडिला आपके अरुणाचल और तिब्बत के बीच में, और बारालाचला किसके बीच में? एचपी और लद्दाख के बीच में। ठीक है, ठीक है। 24 द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम? आपने जो फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किया है भारतीय संविधान में, वो कहां से? यूएसए, 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 एंड करेक्ट आंसर इज यूएसए। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट थर्ड में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, जो आपने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स से, वैसे तो सारे ही आपको आर्टिकल याद करने ज़रूरी है। आपके जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, एमरजेंसी में भी नहीं, इसको याद रखना। ठीक है, तो 24th आंसर इज डी। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? 25 इनमें से कौन सा डिवाइस आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये चौथा महीना है, चार महीने से अपना बर्थडे ही मना रही हूँ, तो तुमने अगर मुझे बर्थडे विश कर भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बैटरी। बैटरी आपके केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है और बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज़ करती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए बस इतना ही था। जो भी बच्चे क्लास में पहली बारी आए हैं, सारे बच्चे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज थोड़ी जल्दी क्लास हो गई, अभी 12:10 हो रहे हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो 12:40 पे, क्योंकि मुझे थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में टाइम लग जाएगा, तो 12:40 पे अगर आप लोग क्लास लेने के लिए तैयार हैं तो मैं डेली करंट अफेयर की क्लास अभी करवा दूंगी। आओगे आप लोग? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आओगे आप सब?
तो जो बच्चे आ सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग 12:40 पे आ जाना, डेली करंट अफेयर की क्लास होगी, जो आज का करंट अफेयर है। जो नहीं हो पाया तो वो क्लास आपकी 12:40 पे होगी। 12:11 हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको कुछ भी वीडियो में इनएप्रोप्रिएट लगा हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों ने 200 लाइक भी कंप्लीट नहीं किया आज, हद कर दी तुम लोगों ने, दिल टूट गया मेरा आज। चलो बाय बाय, 12:30 पे आ जाना सभी बच्चे डेली करंट अफेयर की क्लास में। सभी बच्चे 200 लाइक तो कंप्लीट कर दो जल्दी से, इतने सारे बच्चे आते हो 200 लाइक नहीं कर पाते हो कंप्लीट आप लोग। 12:40 पे क्लास होगी, मिलते हैं 12:40 पे। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय। 12:40 पे क्लास में आइएगा सभी।